एवरीबॉडी, आई एम अदिति एंड यू आर ऑन माय चैनल फ्लोरा फ्रेंजी। आज मैं आ गई हूँ एक नए गार्डनर के यहाँ पर, जिन्होंने आजकल का जो फैड चल रहा है भयंकर, एवरी गार्डनर आई थिंक इज ट्राइंग कि उनके घर में ड्रैगन फ्रूट उग जाए। और मुझे जैसे ही पता पड़ा कि आज के हमारे गार्डनर के यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट उग रहा है, आई कुंड वेट एंड आई हैव कम हियर। एंड द डे टू कम हियर इज सो लकी कि आज वो फ्रूट जो है वो पूरा पिंक हो गया है और काफ़ी बड़ा हो गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू वेलकम पाले दीदी ऑन माई चैनल। आइए। सो वेलकम पाले दी। सो पाले दी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। शी इज़ ऑल्सो इन एजुकेशन एंड दैट टू फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, एम आई राइट? बिल्कुल लगता नहीं ना। सो शी हैज़ बिन इन द टीचिंग करियर फॉर लास्ट 25 ईयर्स, बट शी हैज़ बिन अ प्लांट एंथुजियास्ट सिंस हर चाइल्डहुड, राइट? सो पाले दी से ही सुनते हैं उनकी गार्डनिंग की क्या स्टोरी है। सो टेल अस अबाउट हाउ यू स्टार्टेड गार्डनिंग एंड एवरीथिंग। सी like my father was in the army, okay. Retired now, mm-hmm. So we had the privilege of going to various places, yeah. And we used to get big bungalows, exactly, and, all greenery around, so I just picked it up from there. Okay, yeah. And she's not telling you everything, she had told me the whole story. So used to she kehti thi ki अपनी एक गार्डन में क्यारी ले लेती थी और माली से कहती थी आप यहाँ कुछ नहीं करोगे, यहाँ सारा का सारा मैं काम करूँगी। Am I right? Yes, yes. So वहाँ से ये सारे का सारा जो चीज़ थी वहाँ से शुरू हुई एंड शी हैज़ बिन यू नो डूइंग गार्डनिंग सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। और आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फ्रूट ट्रीज हैं जो कि दीदी ने लगा रखे हैं एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम आर आइदर फ्रॉम अ सीड और अ कटिंग। यस, ऑल ऑफ देम आर, वो कोई भी पौधा बाजार से नहीं लेकर के आई हैं। आइदर जितने भी ट्रीज हैं उनके यहाँ पर फ्रूट्स के, वो सारे के सारे या तो कहीं ना कहीं से बीज आया था उसकी और कटिंग आई थी ड्रैगन फ्रूट की। आई डोंट हैव मच मेनी फ्रूट ट्रीज बट आई हैव लॉट ऑफ फोलियज प्लांट्स, राइट? लेस फ्रूट ट्रीज बट ऑल फ्रॉम स्टेम और सीड्स। ओके, सो जनरली लोगों को ना ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस कि हम लोग फ्लावर्स जब देखते हैं उनका ब्राइटनेस देखते हैं उनकी कलर देखते हैं सो वी गेट मोर अट्रैक्टेड टू देम। बट द फोलियज जो बिल्कुल पत्ते ही पत्ते होते हैं, पत्तों की खूबसूरती वो दीदी ने ढूंढी है। और हाँ, वी कैन सी सारी तरफ इतने सारे पत्ते ही पत्ते वाले प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। सो यू टीच बॉटनी? हाँ, साइंस। साइंस, ओके। बट आई डिड माय मास्टर्स इन जूलॉजी। ओके, आई थिंक आई शुड हैव डन इट इन बॉटनी, बट दैट कम्स नेचुरली। बट आई थिंक यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इन बॉटनी। हाँ, या एवरी सिंगल डे, राइट? ओके, सो आवर फर्स्ट ट्री इज ऑन आवर लेफ्ट एंड व्हाट इज दिस दीदी? हाँ, ये सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल। हाँ, ये मेरे दादी के घर में प्लांट होता था। ओह, और उसका सीताफल कभी नीचे गिरा होगा। हाँ, तो मैंने उसको ले लिया। ओके, और उसके बीज मतलब सैपलिंग्स जो आए मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया। वाओ, सो वो है ये, वो इतना बड़ा हो गया है एंड इनफैक्ट ये वाला उसके बच्चे का भी बच्चा है। और एक थर्ड जनरेशन ऑफ सीताफल का पेड़ एक मैंने ऊपर लगा रखा है, दैट इज इन अ बाथटब। अच्छा, तो ओके, वो बाथटब किसी काम में नहीं आ रहा था। हाँ, आजकल कौन बाथटब में रहता है? हाँ, तो फिर वो बाहर रख दिया। हाँ, फिर मैंने सोचा इसमें मिट्टी भर भर के, मैं बाल्टियां भर भर के ऊपर ले जाती थी, वी डोंट हैव अ माली। ओके, तो फिर मैं ही माली हूँ। तो उसमें डेढ़ साल बाद छोटे से में ना दो सीताफल निकले थे। वाओ, एंड दे वर लाइक शहद। ओके, नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं आया, उसके नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं आया, तो मैंने सोचा तो खाद वाद देती हूँ थोड़ा सा, तो अभी तीन आए। अरे वाह, तो मेरे ख्याल से अभी वो लग रहे हैं। हाँ, अभी लग रहे हैं और हम ऊपर जाकर के छत पे जाकर के देख के आने वाले हैं। सो आई थिंक ऑन दैट नोट आपने बाथटब का मेंशन करा, तो प्लीज मैं व्यूअर्स से जानना चाहती हूँ कि क्या आपने भी बाथटब में कुछ ना कुछ लगा रखा है? क्योंकि मेरी मम्मी के घर उसमें पुदीना लग रहा है एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो शुरू में बाथटब लगाते हैं फिर वो खराब हो जाता है और बाथटब को छत पे ले जा करके और उसमें खूब सारी सब्जियां जो होती है वो उगाते हैं। बाथटब में बहुत कुछ लग चुका है, टमाटर से लेके आलू तक। हाँ, फिर मिर्ची और अब सीताफल लग रहा है, सीताफल अरबी भी लग रहा है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके घर में भी, आपके पड़ोसी या आपके किसी बिल्ले वाले के घर में क्या बाथटब में कोई ना कोई सब्जियां उगा रखी हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फोलियज प्लांट्स जो हैं वो हैं और आई कैन सी दिस इज फाइकस, दिस इज फाइकस पांडा, this is ficus, then we have umbrella plant, snake plant, aurelia, we have, we can see gudhal over here, yahan par bahut sare jo hain rain lilies khil rahi hain white and pink color ki।
और ऊपर येलो भी है, येलो भी है, वाओ। सो वी हैव एलिफेंट ईयर और ये भी कितने बड़े पत्ते हो रहे हैं, बिकॉज मैंने जनरली लोग गमले में लगाते हैं और इतने बड़े बड़े पत्ते तो नहीं होते हैं उनके। एक बार कभी मैंने इसको लगाया था, इतना सारा हो जाता है, मुझे काट काट के फेंकना पड़ता है, बिकॉज इसका करो क्या है ना। तो सी माली नहीं है ना, इस वजह से अपने प्लांट्स का ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस वजह से आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारी चीजें जो है इतनी ग्रीन हो रही हैं और इतनी हेल्दी हो रही हैं। आई थिंक दैट इज बिकॉज़ ऑफ द मॉनसून, बट यस स्टिल यस। एंड वी हैव मीठा नीम, क्योंकि किसी भी गार्डनर का जो घर है मेरे ख्याल से मीठा नीम लगाए बिना तो पूरा होता ही नहीं है। तो जब भी कोई गार्डनर होता है तो सबसे पहले मीठा नीम जरूर लगाते हैं, क्योंकि सबको याद आ जाता है सांभर बनाना है, इडली बनानी है एंड पोहा बनाना है। ओके, ऊपर चंपा, बिल्कुल चंपा है, येलो वाला। ओके, येलो चंपा है, उस तरफ व्हाइट वाला है, ऊपर रेड या पिंक जो भी है। सो शी हैज ऑल द कलर्स इन चंपा एज वेल, एंड शी हैज डन अ लॉट ऑफ DIY काइंड ऑफ थिंग आल्सो ओवर हियर। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि उन्होंने क्या DIY करा है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लांट, फ्रूट ट्री जो हमारे पास में है। सो दिस इज पपीता, और दीदी कितना पुराना प्लांट है ये? तो कुछ महीने पुराना है, कुछ महीने ही पुराना है। ओके, और ये थोड़ा पुराना है, ये वाला थोड़ा पुराना है, और इसको एक्चुअली मेरे इतने छोटे से पॉट में मेरे चाचा ने बीज लगाए थे, अच्छा, पपीता खा के, और वो बीज देते जब हो गए उन्होंने मुझे दे दिया, दैट यू जस्ट टेक इट, और उनमें से एक है, इसमें से आ गया। सो जितना भी फ्रूट्स का मैं दीदी से सुन रही हूँ, यहाँ एक जामुन का पेड़ भी है, जामुन का पेड़ भी दादी के यहाँ पर एक जामुन का पेड़ था, उसके जामुन की जो गुठली थी वो उन्होंने यहाँ पर लगाई, और इतना बड़ा जामुन का पेड़ हो गया, वो गिर गई थी गुठली, उसमें से वो निकल आया और आपने यहाँ लगा दिया, और बाहर लगा हुआ है वो इतना अमेजिंग। सो दिस इज पपीता, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मोर एग्जॉटिक प्लांट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट दीदी देन। सो एज मैंने पहले मेंशन किया था कि यहाँ DIY भी आपने बहुत सारा कर रखा है। सो दिस बॉटल में मैंने कई बार इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा है, बट नेवर ट्राइड इट माई सेल्फ, तो इट सीम्स लाइक कि काफी सक्सेसफुल है। बस अभी इसको टांका नहीं है, बट इसमें कर रखा है। इनफैक्ट माय सिस्टर उसने ये करा है। ओके, तो बॉटल के अंदर छेद करके एंड मिट्टी डाल के और डंडिया लगा दी कटिंग। ओके, सो वी हैव मोर ओवर हियर, नीचे सारा का सारा है, और एक जगह ऊपर और है जहाँ पर कि ये बहुत सारा हो रहा है। सो नाउ दीदी वी हैव मूव्ड ऑन टू द मोर एग्जॉटिक वैरायटीज ऑफ फ्रूट ट्रीज दैट यू हैव। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट ओवर हियर? ऑलराइट, दिस इज अ चेरी ट्री, छोटे से प्लांट से लगाया था मैंने। ओके, एंड आई कैन सी कि आपने ये गमले में लगा रखा है। और ये हमेशा से गमले में था, छोटे से गमले में था। अभी ये बड़े, थोड़े बड़े गमले में हो गया है, पर मुझे लगता है ये भी इसके लिए छोटा ही पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उतनी ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए फिर इसको बड़े में और नहीं कर रही। आप देख रहे हो इसमें पहले बहुत सारी चेरीज आई थी, उसकी एक बच्ची है, ये देखो चिड़िया निकाली। और हमने बहुत सारी चेरीज तोड़ के अंदर रखी थी। ओके, और अभी इसमें सेकेंड लॉट आ रहा है। ये देखो, वी कैन सी सारी ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी चेरीज यहाँ पर हो रही हैं। ये रहा, एग्जैक्टली, यहाँ पर इतनी सारी चेरीज हैं, वो गिर गई। ओके, और यहाँ पर छोटी छोटी इसकी जो कलियां आ रही हैं वो भी एकदम पिंक पिंक है, एंड वी कैन ऑल्सो सी वन ऑफ द फ्लावर, वेयर डिड द फ्लावर, ये रहे फ्लावर्स, ये रहे पिंक फ्लावर्स, पिंक कलर के फ्लावर्स भी हैं इसके। तो चेरी आती है रेड, लेकिन उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े सुंदर पिंक कलर के आते हैं। चेरी पहले ग्रीन होती है, ग्रीन कलर की चेरी पहले, छोटी हर साइज की यहाँ पर मुझे दिख रही है, एकदम छोटी से लेकर के और इतनी बड़ी बड़ी भी। ओके, सो यस वी हैव ऑल्सो सीन द चेरी प्लांट। सो आई थिंक ये कहना सही रहेगा कि स्पेस डजंट मैटर एट ऑल, आपके पास ज़मीन है या नहीं है डजंट मैटर। इफ़ यू रियली वॉन्ट कि आपके यहाँ पर फ्रूट के ट्रीज भी उग जाएँ, तो आप बड़े आसानी से उगा सकते हैं। बिल्कुल, बट आई डोंट लाइक टू कीप द ट्रीज, फ्रूट ट्रीज वेरी स्मॉल, मतलब मुझे पसंद है बड़े हो। राइट, सो जितने भी गार्डनर्स ये देख रहे हैं, अभी जो गार्डनर केवल बनना चाहते हैं और चैनल देख रहे हैं, दे हैवन स्टार्टेड गार्डनिंग एज येट, प्लीज गाइस मेक दैट फर्स्ट स्टेप, और आई थिंक यू विल नेवर रिपेंट इट, और आप उसको बढ़ाते जाइएगा एंड आपका गार्डन अमेजिंग बन जाएगा। एम आई राइट? ओके, सो दिस इज द चेरी ट्री दैट वी हैव, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द आज का हाईलाइट, जिसके लिए मैं यहाँ भागती भागती आई हूँ, विच इज देर, और वो लटक रहा है वहाँ से। सो दैट्स द ड्रैगन फ्रूट। सो दीदी, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द ड्रैगन फ्रूट? सी द थिंग इज, कोरोना से पहले माई लास्ट ट्रिप वॉज टू वियतनाम। ओके, वियतनाम एंड कम्बोडिया, वहाँ पे वी वेंट टू एन आईलैंड। ओके,
And that was the first time I actually got to see a very big dragon fruit plant. Oh, wow. मतलब अभी तक तो सिर्फ एक कैक्टस थिंग ना, अभी तक तो सिर्फ ड्रैगन फ्रूट ही देखा था, वो भी यू नो एग्जॉटिक वैरायटी, कभी शादी वादी में मिल जाते थे, नॉर्मली घर पे भी नहीं आते थे. सो वहां पे मैंने पहली बार इसका ट्री देखा है. सो इट्स नॉट अ ट्री बिकॉज इसकी स्टेम ही होती है, बट उसको इन्होंने बहुत बड़े जैसे पोल होता है ना, उस सीमेंट का पोल, हाँ, उसके साथ बांध रखा था, और फिर वो ऐसे से करके गिरता है. ओके. और उसमें खूब सारे फ्रूट्स लग रहे थे. सो आई हैव अ पिक्चर आल्सो, आई वांट टू सी दैट पिक्चर एंड वी आर गोइंग टू शो यू द पिक्चर एज वेल. सो तो फिर क्या हुआ, मुझे बहुत पसंद आया वो. सो मैंने अपने वहां पर एक कोई थे, मैंने उनको बोला प्लीज इसके थोड़ा सा दे देना पार्ट. सो ही सेड ओके. उन्होंने मुझे इतना सा तोड़ के दे दिया. ओके. एंड व्हेन आई केम बैक, तो जून जुलाई का टाइम, जून था, एंड आते ही फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया. बहुत गर्मी थी और फिर वो पड़ा रहा एक कोने में, बाथरूम में रख दिया, कभी मग में पानी डाल के रख देती थी. एंड देन आई फेल्ट वेरी गिल्टी कि एक महीना हो गया मैंने लगाया ही नहीं है. एंथुजियाज्म में लेकर आ जाती हूँ मैं, और फिर अगर वो खराब हो जाता तो फिर मैंने उसके टू पार्ट्स करे. ओके. और मैंने उसको दो गमलों में लगा दिया. एंड देन इट केप्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. फिर उसकी जगह मैंने चेंज कर दी. आई कुड नॉट गिव इट अ सपोर्ट, सो इट टुक द सपोर्ट ऑफ द बैल्कनी. ओके. और वो बैल्कनी, रेलिंग पे गिर रहा है, जो रेलिंग है उससे. बट अब मुझे पता चल गया है, एंड इट हैज टेकन लाइक, क्योंकि ज्यादा बड़े गमले में नहीं है वो, इतने से ही गमले में है. अच्छा. बट इट हैज टेकन लाइक ग्रोन अ लॉट, 4 इयर्स ओके टू ग्रो. एंड ये वाला तो एक महीने पहले we saw the flower for the first time, and the flower was white, right? Quite a big one. छोटा सा बड़ा आया था. And then बड़ा होते होते होते, now I have come to know that dragon fruit flower blooms at night, not in the morning. तो जब ये खिला था बहुत amazing flower था, मैंने तो इतना बड़ा flower कभी देखा ही नहीं था, मतलब घर पे. और and does it smell? Does it have any fragrance? I don't know, क्योंकि लटक रहा था ना, तो उसपे we couldn't smell it. Right. क्योंकि वो नहीं तो ज़्यादा करती तो मैं बालकनी से गिर जाती. तो फिर तो बहुत सुंदर flower था. Next day मैंने सोचा सुबह आके देखूंगी स्कूल से ना, बहुत बारिश थी तो बारिश में वो बंद हो गया था. अच्छा. ओके. तो लेकिन उसके बाद तीन फ्लावर्स और आए. ओके. तो मुझे पता चल गया कि ये रात को ही खिलता है और सुबह धूप चढ़ती है तो वो बंद हो जाता है. अच्छा. एंड जैसे जैसे पहले फ्लावर आएगा और फ्लावर के पीछे से फ्रूट आएगा, तो आई कैन सी एक तो ग्रीन कलर का फ्रूट है और थोड़ा छोटा है, एंड द अदर वन हैज टर्न्ड रेड. ये वाला 3 वीक्स का हो गया है. ड्रैगन फ्रूट का जो फ्लावर है, फ्रूट बनने में उसको टाइम लगता है ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ. और दिस इज द हाईलाइट फॉर द डे जिसको मैं देखना चाहती थी, बिकॉज मैंने कभी ड्रैगन फ्रूट जो था वो ऐसे उगता हुआ जो था प्लांट पे नहीं देखा था. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गार्डनर फ्रेंड्स ऑल ओवर, एटलीस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली यू नो उगाना चाह रहे हैं ड्रैगन फ्रूट को. तो अगर आपके पास में भी कोई ड्रैगन फ्रूट है जिसको आप ट्राई कर रहे हैं, आपकी कोई स्टोरी है ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड, तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा. अगर ये क्लोज अप हो सकता है तो देर इज दिस amazing picture, you look quite different. और उसके अंदर पूरा का पूरा इतना बड़ा जो ड्रैगन फ्रूट है वो लग रहा है, और इतना बड़ा पेड़ भी है. ओके. सो पाली दीदी, पाली दी, इट वॉज अमेजिंग मीटिंग यू एंड सीइंग ऑल दीज ट्रीज जो आपने फ्रूट्स के यहाँ पर लगा रखे हैं. और नेक्स्ट एपिसोड में वी आर गोइंग अपस्टेयर्स, क्योंकि दीदी का जो गार्डनिंग का मेजर पार्ट है वो छत पे है. तो हम लोग जाएंगे छत पे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दीदी ने क्या क्या लगा रखा है, बिकॉज आई हैव हर्ड कि वहाँ बहुत तरह तरह की चीज़ें जो है दीदी ने लगा रखी हैं. सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. वी आर गोइंग टू गो ऑन द रूफ टॉप और वहाँ हम देखेंगे कि क्या क्या फ्लावर्स लग रहे हैं. सो थैंक्स अ लॉट दीदी. यू आर मोस्ट वेलकम.